लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है, हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहां के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहां के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था बनने करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए, और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास शब्द नहीं है इस वेदना को व्यक्त करने के लिए, लेकिन उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। कहा है सरकार हर संभव उनका साथ देगी, हर संभव मदद यहां पर करेगी, घायलों का हालचाल भी जाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।